पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच ने ये संदेश दिया है, ये तिरंगा यात्रा निकाल के, कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर है। सबके अलग अलग ध्वज होंगे, हर एक की अलग अलग मान्यता होगी, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के वो साथ में लेकर ही हमारी सेना आगे बढ़ती है, वही कुर्बानी देती है और हमारी सेना में किसी जाति और वर्ग का कोई स्थान नहीं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम जाति वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि ये वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष चल रहा है, 76वां वर्ष हम मनाने आ रहे हैं 15 तारीख को, वो 76वां हमारा वो होगा। तो हम इसके लिए संदेश देना चाहते हैं समाज को कि समाज इसी तरीके से अपनी एकजुटता बनाए रखे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, दल के प्रति समर्पित ना रहे, यही मेरा संदेश। आज हम सब लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके जो तिरंगा यात्रा हमारा मोदी जी ने आह्वान किया था, पूरे देश को तिरंगामय कर दिया है, उसी के निमित्त अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच के नेतृत्व में हम लोगों ने एक रैली रामलीला ग्राउंड से निकाली है तिरंगा यात्रा की, मोटरसाइकिल की, और दूसरी रैली हमने प्रभात मार्केट से निकाली है, वो आने वाली है अभी। तो इसका संदेश ये है कि हम जो देश के ऊपर शहीदों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, हम उनके कर्तव्यों को याद करें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलें, इस निमित्त हमने ये तिरंगा यात्रा आज यहाँ निकाली है। राष्ट्रनायक महाराज प्रताप ये शौर्य का प्रतीक है, देश का प्रतीक है, राष्ट्रनायक हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये इसका रैली का समापन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्षत्रिय समाज के बंधुओं ने आज अपने राष्ट्र हमने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें सभी क्षत्रिय बंधु यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं और महाराणा प्रताप जी को मान्यार्पण कर हमने तिरंगा फहराया है, और इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा, हमारा यही उद्देश्य है आज की तिरंगा यात्रा का। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा की आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में क्षत्रिय विकास मंच की सौजन्य से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मैं आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूँ, क्षत्रिय समाज पूर्व से ही देश की सेवा में, देशभक्ति में ओतप्रोत रहा है। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने अपनी जानें इस देश के लिए निछावर की हैं, और यही संदेश हम आज अपनी तिरंगा यात्रा रैली में देना चाहते हैं कि सभी देशवासियों को आगे आकर देश हित में कार्य करना चाहिए और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा आह्वान है कि आज समस्त क्षत्रिय बंधुओं ने एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश प्रेम का संकेत दिया है, और हमने अपने पूजनीय महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण कर देश प्रेम की भावना को जागरूक करने की कोशिश की है। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच मुरादाबाद की सारी इकाई ने आज जो है महाराणा प्रताप चौक पर रामलीला ग्राउंड मुरादाबाद से आरंभ करके एक तिरंगा यात्रा को महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त किया है, और ऐसा संकेत देश में और मुरादाबाद महानगर में देना चाहते हैं कि अपने तिरंगे को हर घर घर फहराएंगे और तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।